आज तक कभी भी डीजे सार्जन के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। जो चीज़ रियलिटी थी पूरे मेले में वही दिखाई। जिसे जीतना था वो जीत गया, कोई किसी की वजह से नहीं बना। वो डीजे सार्जन का अपना पहले नाम था, आज है और आगे भी रहेगा अच्छे से। यही कहूंगा कि अब कंट्रोवर्सी मत करो, अब मौज से रहो। विजेता विजेता ही होता है, शेर तो शेर ही होता है। शेर जीत चुका है और शेर जीत के ही मानता है भाई। और बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है यूट्यूब पे भाई, तगड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे। कांवड़ मेले को लेकर ही कंट्रोवर्सी चल रही है अभी तक भी यूट्यूब पे। हेलो भाई साहब, ये है हमारे यहाँ रैपिड ट्रेन का स्टेशन, मेरे घर के नियर बाई है बिल्कुल। हमारे भाई बहुत सारे पूछते हैं ना कहाँ पे हो भाई, ये गाजियाबाद में। अगर आप डालोगे ना रैपिड मेट्रो स्टेशन तो ये वाला आएगा गाजियाबाद का। क्या कहते हैं भाई, डीजे सार्जन के पीछे अभी इतनी कंट्रोवर्सी करने की जरूरत नहीं है। जो चीज़ होनी थी वो हो गई है और जिसको जीतना था वो जीत चुके हैं। तो अब कांवड़ यात्रा 2024 खत्म हुई है, तो कंट्रोवर्सी 2024 शुरू हो चुकी है। हर हर महादेव दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। तो कैसे हो भाइयों, मैं भी मस्त हो गए। टाइम हो रहा है 12:09, ठीक है। और तुम्हारे भाई ने ऊबर बुक कर ली है, हमारी ऊबर आ रही है। फिलहाल में जा कहाँ रहे हैं, फिलहाल में जा रहे भाई अब अपनी गाड़ी लेने। ये देखो, ये देख, कह रही है मुझे भी दिखाओ। ये अपना गुड्डा छोटा था, एक गुड्डा गया हुआ, एक गुड्डा ये रहा। तो फिलहाल में अपनी ऊबर बाइक आ रही है, तो बाइक पर लेकर भाई हम जा रहे हैं फिलहाल में अपनी गाड़ी लेने, जो कि हमारी गाड़ी थोड़ी ख़राब हो गई थी जब हम कांवड़ यात्रा में गए थे। तो काफ़ी दिन तक वो खड़ी रही, कुछ उसमें इश्यूज आ गए। वो सारा काम हमने करवा दिया है बढ़िया, एकदम बेहतरीन तरीके से। फिलहाल में ऊबर पकड़ेंगे और सीधे जाएंगे भैया के पास में, जहाँ अपनी गाड़ी वर्कशॉप पे हो रही है वहाँ पर जाएंगे और गाड़ी को लेकर आएंगे। तो चलो फटाफट से ऊबर का वेट करते हैं और ऊबर लेकर निकलते हैं। कहाँ के लिए? गाड़ी लेने के लिए। बस 2 मिनट में आने वाली है अपनी ऊबर। ये देख लो, 2 मिनट का टाइमिंग दिखा रही है। हाँ, इसे दिखाओ, इसे, ये इसकी, ये है और ये इसकी माँ है। तो भैया फटाफट से चलो नीचे, फटाफट चलते हैं और ऊबर वाले भैया का वेट करते हैं और साथ में चलते हैं। लो जी, तुम्हारा भाई रेडी हो चुका है जाने के लिए और फिलहाल में टाइम बहुत हो चुका है। अभी मुझे आकर विधान को लेने भी जाना है, पर मैं निकल चुका हूँ। देखता हूँ मैं भाई गाड़ी कितनी देर में वहाँ से अपनी लेकर निकल जाऊँगा, क्योंकि गाड़ी एकदम रेडी खड़ी है। गाड़ी एकदम अपनी रेडी खड़ी है और गाड़ी को लेकर बस आना है, उनको पेमेंट करनी है और गाड़ी लेकर आनी है। तो फिलहाल में ये अपनी ऊबर और दफा तक पहुँच जाएंगे जरा सी किसी देर में ही, बस ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी सी दूरी है। लो जी भाई, हम पहुँच गए अपनी गाड़ी पर। ये रही हमारी गाड़ी और फाइनली ये भाई आए थे हमें छोड़ने के लिए। अब गाड़ी देखते हैं भाई, अपनी गाड़ी को करते हैं। चाबी लाना है इसकी, अच्छा लॉक खुला हुआ है। तो भाई ये है अपनी कुछ गाड़ी जो ओके हो चुकी है, गंदी हो रही है, पर करवाएंगे इसको भी क्लियर, क्लियर करवाएंगे इसको भी। अभी देखते हैं, लेके चलते हैं फटाफट से एंड फिर निकलेंगे। देखो भाई, मैं आया अपनी गाड़ी लेने, लेकिन हमारा भाई मिला। इसने हमारा चैनल ना बहुत पहले से सब्सक्राइब कर रखा है ना। हाँ भाई। कब से भाई? हो गए 15-20 दिन। 15-20 दिन हो गए। तो अभी आया गाड़ी लेने, तो पता चला कि भाई भी हमारे वीडियोस देखता है। भाई ने कहा हम इसमें भी देखता है, गाड़ी में भी देखा है और वैसे बाइक पे भी देखा है। तो फिलहाल में अपनी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, मनीष भाई का वेट है। मनीष भाई को फ़ोन करते हैं और पूछ लेते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं फटाफट से, क्योंकि भाई विधान को लेना है। विधान का स्कूल के छुट्टी का टाइम हो चुका है और गाड़ी का अलाइनमेंट वगैरह बहुत सारी चीज़ हुई है। तो सारी चीज़ों को अपडेट बताऊँगा कि मेरी गाड़ी में क्या काम हुआ, लगभग कितने का खर्चा हुआ, क्योंकि सस्पेंशन वगैरह और बहुत सारी चीज़ें भाई गाड़ी की टैंप बोल चुकी थी, वो सारी चीज़ आपके भाई ने ओके करवा दी है। लो तो लो भाई, हम फाइनली अपनी गाड़ी लेकर निकल चुके हैं और अभी ना स्कूल पहुंचना है भाई। स्कूल के लिए मैं काफ़ी लेट हो रहा हूं, क्योंकि स्कूल पहुंच के अपने लड़के को भी लेकर भाई घर पहुंचना है। और आज मेरी गाड़ी में ना भाई जो चूचा की आवाज़ थी, देखो मैं बताऊँगा कि मैंने क्या क्या काम करवाया अपनी गाड़ी में, क्योंकि मेरी गाड़ी का ना भाई सस्पेंशन एक बार ख़राब कर लिया था मैंने अभी बीच में। तो मैंने सस्पेंशन आज अपनी गाड़ी का ठीक करवाया है, एक कमी और आ रही थी वो सारी कमियां दूर करवाई है। तो आज की डेट में आपकी भाई की गाड़ी हो चुकी है ओके एकदम। और मोटो व्लॉगिंग की जगह हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी व्लॉगिंग। फिलहाल में गाने सुनेंगे, बेहतरीन सफ़र इंजॉय करते हुए जाएंगे और आज आपको बहुत सारी चीज़ों की नई नई अपडेट देंगे भाई, कि हमने अपनी गाड़ी में अभी कितने पैसे लगा दिए भाई, कितने पैसे लगा दिए हरिद्वार कांवड़ यात्रा के बाद। पैसे पर पैसा खर्च हो रहा है भाई बहुत ज़्यादा। और फिलहाल में हमारा आगे आने वाला पोल्यूशन सेंटर,
और गाड़ी चलाने का एक अलग ही मजा होता है, ठंडी ठंडी हवा खा रहे होते हैं, बाइक पे गर्मी लगती है यार थोड़ी थोड़ी, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। और बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है यूट्यूब पे भाई, तगड़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे, कांवड़ मेले को लेकर ही कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है अभी तक भी यूट्यूब पे। और लोग बात कह रहे हैं कांवड़ मेला खत्म हो गया तो आप वीडियो डालना बंद करो कांवड़ यात्रा की। भाई अभी तो इतनी वीडियोस डल ली है, इतनी वीडियोस डल ली हैं और इतनी तगड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है ना, क्या ही बताऊँ आपको। अगर आप यूट्यूब खोलोगे ना कांवड़ यात्रा के कंट्रोवर्सी लेकर, भाई इतना तगड़ा कंट्रोवर्सी का मेला चल रहा है, मेला कंट्रोवर्सी मेला हो रहा है अब, यानी कि कांवड़ मेला ख़त्म हुआ और कंट्रोवर्सी मेला शुरू हो गया है। तो भाई ठीक है, करने तो कंट्रोवर्सी, अगर किसी ने गलती से भी हमारा नाम ले दिया ना कंट्रोवर्सी में तो अब की बार बता दूंगा मैं, क्योंकि मैं किसी कंट्रोवर्सी में हूँ नहीं, लेकिन अगर गलती से किसी ने ले दिया तो अब की बार मैं भी किसी को छोड़ने वाला नहीं। चलो बढ़िया बढ़िया चीज़ करेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखाएंगे। अभी हमारा जो विचार बनना है, अभी हमारी गाड़ी में एक तो न्यू टायर डलने हैं और भी कई सारे काम होने, वो सारे काम करके और बेहतरीन तरीके से एक राइड हो सकता है गाड़ी से भी हो हमारी, ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है भैया। भाई साहब ये है हमारे यहाँ रैपिड ट्रेन का स्टेशन, मेरे घर के नियर बाई है बिल्कुल। हमारे भाई बहुत सारे पूछते हैं ना कहाँ पे हो भाई, ये गाजियाबाद में, अगर आप डालोगे ना रैपिड मेट्रो स्टेशन तो ये वाला आएगा गाजियाबाद का, ये बिल्कुल नियर बाई पड़ता है मेरे घर के, बिल्कुल नियर बाई भाई, सबसे पास में गाजियाबाद रैपिड ट्रेन स्टेशन तो ये वाला आएगा भाई। फिलहाल में हम आ चुके हैं रैपिड ट्रेन स्टेशन नए बस अड्डे, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर है अपने बेटे का स्कूल, और अब जाते हैं वहाँ पे फटाफट। मेरी गाड़ी ना भाई दो दिन से गायब थी ना, तो मुझे भी अच्छा सा नहीं लग रहा था, आज गाड़ी आ गई तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है, बड़ा अच्छा सा। और यहाँ पे क्या हुआ, है गिर के दिखे अंकल भी यार। और मैं आपको बताऊँ ना भाई, यूट्यूब के बारे में जो मैं अभी आपसे बात कर रहा था, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है, वाकई ही कॉन्ट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा तगड़ी चल रही है। और कमेंट करके बताना कि कॉन्ट्रोवर्सी कौन कर रहा है और कैसे कैसे कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। डीजे सार्जन जा चुका है अब यहाँ से, उसके बाद भी डीजे सार्जन मुझे भी पता है इसमें मैंने भी डाला होगा डीजे सार्जन, लेकिन क्या कहते हैं भाई, डीजे सार्जन के पीछे अब इतनी कॉन्ट्रोवर्सी करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ होनी थी वो हो गई है और जिसको जीतना था वो जीत चुके हैं। तो अब बढ़िया है कि आप अपने अपने चैनलों पर दूसरी चीज़ों को लेकर चलो, मत डीजे सार्जन का वो करते रहो भाई। जिसे जीतना था, जिसको टक्कर लेनी थी, जिसने टक्कर नहीं ली, या जो भी है A to Z वो चीज़ ठीक है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अब कॉन्ट्रोवर्सी मत करो, अब मौज से रहो, विजेता विजेता ही होता है, शेर तो शेर ही होता है, शेर जीत चुका है और शेर जीत के ही मानता है भाई, शेर जंगल का राजा है ना, जंगल का राजा तो जंगल का राजा ही रहेगा, समझ गए ना। तो भाई वही चीज़ है, प्लीज़ आगे फोकस करो आगे, और जल्द ही हम अभी मुलाकात करेंगे बहुत ही स्पेशल तरीके से, और हो सकता है क्या होने वाला है वो भी आपको बताएंगे, क्या होगा कब जाने वाले हैं वो, बहुत सारी अपडेट्स मैं चैनल पे दे चुका हूँ। अब मेरी अपडेट जो चैनल पे मिलेंगी वो आने वाले टाइम में एक बार में मिलेंगी, यानी कि निकलते समय डायरेक्ट तावा तोड़ मामला। और तुम्हारा भाई ना तो ट्रेन से जाएगा ना बस से जाएगा, तुम्हारा भाई जाएगा अपनी लक्ष्मी को लेकर, ये बात रियलिटी है। और हमारी लक्ष्मी भाई घर पे खड़ी है, वो भी बहुत गंदी हो रही है, जैसे हमारी गाड़ी गंदी हो रही है ना, इन दोनों चीज़ों को वॉश करवा के एकदम ओके करवाना है, जिससे कि हम कभी भी चाहें ओके गाड़ियों को लेके चलते हैं बस। लो जी फाइनली हमारा जो स्कूल का काम था वो डन हो चुका है, क्योंकि हमारे साथ में जुड़ चुके हैं विधान शर्मा, और ये है हमारे विधान शर्मा जिसके नाम से YouTube का चैनल है। हाँ तो कैसा लग रहा है विधान आज? बढ़िया लग रहा है। कैसा गया है स्कूल का दिन? बढ़िया गया। एग्जाम कब से है? टेस्ट कल टेस्ट है, और पिछले टेस्ट में कितने से कितने नंबर लाए थे? नंबर कितने आए थे अभी जो ट्यूशन में टेस्ट हुआ था? हद है। देखो यहाँ पे हमारे महादेव जी बैठे हुए हैं और विधान आ चुका है स्कूल से, विधान को लेकर अब हम घर के लिए जा रहे हैं। है विधान? हाँ। अब की बार यूट्यूब पे कैसा लगा हमारी वीडियो, कितनी अच्छी अच्छी रही ना, तो सबको थैंक यू कहना चाहोगे? हाँ। थैंक यू बोलो फिर सबको, कैसे ही अच्छे से सब वीडियो देखते रहना, बोलो। हाँ। ऐसे बोलो ऐसे जैसे मैंने बोला, सभी अच्छे से हमारी वीडियोस को देखो
हाँ, और लाइक करो और सब्सक्राइब और कमेंट, कितनी सारी और बेल आइकन, बेल आइकन का ऑप्शन जरूर प्रेस कर देना भाई, जिससे कि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती जाए। हाँ तो भाई फिलहाल मैं निकल चुका है स्कूल से और यहाँ पे लग चुका है ट्रैफिक, क्योंकि भाई क्या होता है बस से निकलते हैं ना, बस होती है, इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, है? मेरी है वो बस। इसकी स्कूल की बस है यार, अपनी बताता है बच्चा है ना भी। तो भाई यहाँ पर ट्रैफिक जाम जो है तगड़े वाला लग चुका है, तगड़े वाला। और इस ट्रैफिक जाम को क्रॉस करते हुए देखो ये छोटे छोटे बच्चे, हेलो करो भाई साहब, छोटे छोटे बच्चे बड़े राजी हो जाते हैं तुरंत। हाँ जी, फाइनली हम अपनी पार्किंग पहुँच चुके हैं। तो जो भाई हमारे नए हमारे साथ जुड़े हैं उनको पता नहीं है ना हमारी पार्किंग कैसी है। भाई देखो यहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हो गई है, ये हमारी कुछ गाड़ी है और ये अपनी पार्किंग है। देख लो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी होती है भाई यहाँ पे, यहाँ पे ही भाई गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बहुत लंबी चौड़ी पार्किंग है, बहुत ही लंबी चौड़ी है विधान। हाँ, पर गाड़ी साफ नहीं हुई हमारी, साफ है अभी करवा देंगे और रही सही साफ। लो टाइम हो चुका है शाम का, कितने बज चुके हैं, 4:00 यानी 16:02, 4:02 और अभी हम सोकर उठे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ भाई, अगर आप देखो ना यूट्यूब पे डीजे सार्जन को लेकर इतनी सारी कंट्रोवर्सी है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी, खुद यूट्यूबर लड़ रहे हैं, जबकि अब तो किसी को कुछ कंट्रोवर्सी करनी ही नहीं चाहिए, फिर भी भाई कंट्रोवर्सी पे कंट्रोवर्सी। और हो सकता है इसमें मुझे डीजे सार्जन, देखो मैं क्लियर बोलता हूँ, सब बंदे डीजे सार्जन का नाम डालकर केवल व्यूज़ बटोर रहे हैं, जैसे मेरे भी इस टाइटल का भाई डीजे सार्जन ही रहने वाला है, तो उसी तरीके का मामला हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने तो वीडियो ही उस चीज़ के ऊपर बनाई है, लेकिन मैंने आज तक कभी भी डीजे सार्जन के बारे में कुछ गलत नहीं बोला। जो चीज़ रियलिटी थी पूरे मेले में वही दिखाई, ना मैं किसी के खिलाफ था ना मैं कुछ था, लेकिन हाँ भाई लोग अब भी यही कर रहे हैं कि डीजे सार्जन का नाम लिया तुरंत वीडियो बनाई, टाइटल में डीजे सार्जन, सब चीज़ में डीजे सार्जन, तो यही चीज़ हो रही है। और बेहतरीन बेहतरीन काम किए जा रहे हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। मुरादाबाद मेले में जो बातें हुई उसके ऊपर भी बातें चल रही है, बहुत सारी बातें चल रही है, क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है, क्या मैटर है, समझ नहीं पा रहे ना, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि भाई ये ना यूट्यूब चल रहा है, अब तो यूट्यूबर को टारगेट कर रहा है कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया, ये चीज़ हो रही है। भाई जिसे जीतना था वो जीत गया, कोई किसी की वजह से नहीं बना, वो डीजे सार्जन का अपना पहले नाम था, आज है और आगे भी रहेगा अच्छे से, तो ये चीज़ है। डीजे सार्जन पहले भी बेस्ट था, आज भी बेस्ट है और हमेशा बेस्ट रहेगा। मैंने ये चीज़ अपनी पहली वीडियोज़ में बोली थी, आज भी बोल रहा हूँ, और जिसको बुरी लगती हो लगती रहो भाई, सीधी कहानी, किसी के बारे में गलत नहीं है ना, किसी से मैं यानी चैटबाजी कर रहा हूँ ना मैं किसी यूट्यूबर का नाम ले रहा हूँ, पर ये कह रहा हूँ डीजे सार्जन के ऊपर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही हैं, आपस में कंट्रोवर्सी का खेल चालू हो चुका है। तो अब कांवड़ यात्रा 2024 ख़त्म हुई है, तो कंट्रोवर्सी 2024 शुरू हो चुकी है, ठीक है। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, लक्ष्मी नीचे है, लक्ष्मी को कल वाले ब्लॉग में आप सबको दिखाएंगे कि हमारी लक्ष्मी की क्या कंडीशन है, वो हमारे ब्लॉग में कल आने वाली है कि लक्ष्मी कैसी है कैसी नहीं है और कैसे निकल के जाएगी और क्या बन के आएगी, कल उसको क्लीन करवाएंगे। बस थोड़ा सा इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि मौसम ना थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है, कभी धूप है कभी छाएं हैं और कभी तगड़ी बारिश है, तो ये वाला मैटर चल रहा है, वरना लक्ष्मी को निकाल के मेरा भी मन कर रहा है कि बढ़िया सी एक राइड मार दूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड कमेंट करते हुए जाना प्यारा सा, और बताना कि कंट्रोवर्सी का मामला कौन सेट कर रहा कौन सेट नहीं कर रहा। और प्लीज़ आप सब किसी भी के भी कमेंट सेक्शन में जाकर गलत कमेंट मत करो, छोड़ो, कमेंट सेक्शन भरोगे तो भाई बेनिफिट उसको है ही, तो इसलिए किसी के भी कमेंट सेक्शन में गलत कमेंट मत करो, अच्छे से कमेंट करो, प्यारी प्यारी कमेंट। जय श्री राम, हर हर महादेव।